हेलो दोस्तों, मेरा नाम है परामिता और आज जो मैं कहानी आपको सुनाने वाली हूँ ये बचपन में मुझे बड़ी मज़ेदार लगती थी। तो इस कहानी के जो हीरो हैं वो हैं एक किसान। तो हमारे किसान जी जो हैं वो एक दिन मतलब अपने खेत में बहुत ज़्यादा मेहनत करके थक हार के घर लौट रहे होते हैं शाम के वक्त। तो जो रास्ता है जो उनके खेत से उनके घर तक जाता है, उस रास्ते में पड़ता है एक हलवाई का दुकान। हलवाई मतलब मिठाई बनाने वाला। तो एक मिठाई की दुकान पड़ती है उनके रास्ते पे। तो इस दिन जो है किसान जी को लगी थी बहुत ज़्यादा भूख और वो बस इंतज़ार कर रहे थे कि वो कब घर पहुँचे और कुछ खाना खाएं, कि तभी उनके नाक में एक बहुत ही अच्छी मीठी और भीनी भीनी खुशबू आती है। तो वो देखते हैं कि अरे ये खुशबू कहाँ से आ रही है। तो पता चलता है कि जो हलवाई की दुकान है उसमें जो हलवाई जी हैं वो बना रहे हैं गरम गरम जलेबियाँ। और सिर्फ जलेबियाँ ही नहीं, उसके साथ में और भी बहुत कई तरह की ताज़ी ताज़ी मिठाइयाँ जो है उन्होंने सजा के रखी हुई हैं अपनी दुकान में। तो वैसे भी किसान जी के पेट में तो चूहे दौड़ रहे थे। तो साथ ही जब ये इस खुशबू की मिठास पहुँची उनकी नाक तक, तब तो उनसे रहा नहीं गया, तो वो सीधे चले गए हलवाई की दुकान पे। उनका मन तो था कि कुछ मिठाइयाँ वो खरीदेंगे और वहीं पर खा लेंगे, लेकिन जब उन्होंने अपना हाथ अपनी जेब में डाला तो देखा कि बस उनके पास तो कुछ सिक्के ही हैं और वो काफ़ी नहीं है मिठाइयाँ खरीदने के लिए। तो जी अब वो क्या करें। तो तब उन्होंने सोचा कि मैं मिठाई खा नहीं सकता तो क्या हुआ, कम से कम उनकी सुगंध तो ले सकता हूँ, उसकी खुशबू से ही अपना पेट भर लूँगा। तो किसान जी जो हैं वो दुकान के बाहर खड़े खड़े मिठाइयों की खुशबू सूंघने लगे। ऐसा कुछ देर तक चला। इतने में जो हलवाई जी हैं उनकी नज़र किसान जी पे पड़ गई। अब उनको देख के हलवाई जी को तो बड़ा गुस्सा आ गया कि ये क्या बात हुई, किसान ना ही मेरे दुकान से कोई सामान खरीद रहा है, बस खड़े खड़े मिठाइयों की खुशबू से अपना मन भर रहा है। तो वो गए किसान के पास गुस्से में और कहने लगे, अरे ओ किसान, लाओ मेरे मिठाइयों के पैसे। तो ये सुनकर किसान तो हैरान हो गए। उन्होंने पूछा कि अरे मैंने तो मिठाई खाई ही नहीं है, फिर मैं किस चीज़ के पैसे दूँ। तो इस पे हलवाई जी ने कहा कि जो मिठाई है उसे सूंघना उसके खाने के ही बराबर होता है, इसलिए इसके पैसे तो तुम्हें देने ही पड़ेंगे। ये सुनकर किसान जी तो है बड़ा हैरान और परेशान हो गए। उनके पास तो पैसे नहीं है, कहाँ से लाएंगे वो पैसे। थोड़ी देर के लिए वो एकदम गहरे विचार में पड़ गए और फिर उन्हें एक आइडिया आया। उन्होंने क्या किया, उन्होंने अपनी जेब में से वो सिक्के निकाले जो कुछ सिक्के थे उनके पास। सिक्के मतलब कॉइन्स, ओके। तो उन्होंने क्या किया, उन्होंने ये सिक्के लिए, उसे अपने हाथ पे रखा और उसे खनखनाने लगे, ठीक है। उन्होंने इसे खनखनाया और इस आवाज़ को हलवाई जी को सुनाया और उसके बाद उन्होंने ये सिक्के फिर से अपनी जेब में रख के वो पलट के गुजरने लगे। तो ये देख के हलवाई को और गुस्सा आ गया। उन्होंने पीछे से बुलाया किसान जी को और कहा कि अरे तुम मुझे बिना पैसे दिए कैसे जा सकते हो, तुम्हें तो मुझे पैसे देने हैं मिठाई के। तो ये सुन के किसान जी जो हैं वो पलटे, मुस्कुराए और उन्होंने कहा हलवाई जी को कि जैसे तुम्हारी मिठाई सूंघना उसे खाने के बराबर है, बिल्कुल उसी तरह मेरे पैसों की खनखनाहट सुनना ही उन्हें देने के बराबर है। तो जैसे मैंने तुम्हारी मिठाई खाई उसी तरह तुमने भी मुझसे पैसे ले लिए, अब मुझे तुम्हें और कुछ नहीं देना। और ऐसा कहकर हंसते हंसते वो पलट कर अपने घर चल दिए। तो दोस्तों, मॉरल ऑफ द स्टोरी इससे यही हुई कि जिंदगी में कई बार ऐसा होगा कि कुछ लोग आपसे मिलेंगे जो इस हलवाई की तरह आपके साथ बर्ताव करेंगे, और थोड़े ही समय के लिए ही सही, लेकिन आपको गहरी चिंता में डाल देंगे। ऐसे में ज्यादा चिंता ना कीजिए, दिमाग को ठंडा रखिए और सूझबूझ से चतुराई से उन्हें मात देकर आगे बढ़ जाइए, ठीक है। चले आज के लिए इतना ही, फिर से कभी मिलते हैं एक और कहानी के साथ किसी और नए दिन। तब तक Goodbye.